हाय गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस। अब मैंने सुबह, वेलकम टू माय चैनल अगेन फिर से। अब मैंने पीनट बटर के 3 स्लाइसेस काट दिए हैं और कॉफी भी ले ली हुई है। वो मैं आपको पूरा दिखाऊंगी कि मैंने कितनी कैलोरीज अपनी काउंट की। अपने खुद कैलकुलेटर नहीं जाओ, थोड़ी सी कैलोरी खुद ही प्लस करो, थोड़ा सा मैथ्स भी आपका अच्छा हो जाएगा। 819.3 सुबह मैंने ले रहा हूँ। से पहले 3 स्लाइसेस लिए पीनट बटर की, उसके साथ कॉफी ली है मैंने, थोड़ी चीनी भी डाली है, दूध, पानी, बाकी पहली बार आज कॉफी बनाई है। मैं आपको दिखाता हूँ इसमें क्या क्या है, प्रोटीन क्या है, फाइबर कितना, कार्बोहाइड्रेट, सब कुछ बताऊंगा क्या क्या। एक ऐप है, क्या नाम है इसका, हेल्दीफाई ऐप, वो मैं आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भेज दूंगा। ओके, मैंने आपको प्याज लिया, 3 स्लाइसेस लिए ब्राउन ब्रेड की, पीनट बटर और कॉफी, और इसके बाद मैं वर्क करने जाऊंगा। तो फिर इसके बाद मैं बनाना शेक पीऊंगा, वो भी आपको बताऊंगा। बनाना आज बनाना शेक, आज बनाना नहीं है मेरे से, तो मैं आज लाऊंगा तो कल पियेंगे, लेकिन आज मैं शेक बनाऊंगा ओट्स और बता दूंगा मैं आपको। अभी मैंने बनाया नहीं है, इसके बाद बनाऊंगा, सुबह रोटी खाएंगे। ओके, सो हाय गाइस, जब भी आपको वर्कआउट करना है ना, अभी मैं सुबह वर्कआउट कर रहा हूँ, तो पानी की बोतल आई हुई है कि हाइड्रेटेड रहना है। उसमें तो कहा है 2500 की कैलोरीज हैं, लेकिन मुझे तो 1000 ज़्यादा लेनी है, और 7 ग्लास पानी उसमें लिखा हुआ है हेल्दीफाई ऐप में, जो मैं आपको नीचे लिंक दूंगा, लेकिन उसमें 10 ग्लासेस तो पीने ही पीने हैं। सो आप देख सकते हो, प्रोटीन आया 13.3 ग्राम, कार्ब्स आए 45.7, फैट्स आए 12.7। और फाइबर आया 4.2 ग्राम। अब देखते हैं इसमें आया 4.6, मतलब भी देख सकते हो आप कितना कितना आया। कॉफी विद मिल्क 129 कैलोरीज, और इसके बाद मैंने आफ्टर द मील, ये आज बनाना तो नहीं घर में, तो इसीलिए मैं ओट्स पीनट बटर शेक पीऊंगा। देख सकते हो इतना इतना मैंने लिया, टोटल मैंने इसको खुद प्लस किया, ये 700 से ये देख सकते हो कितना गया, 819 out of 262 इतना ही गया है, 819.3 गया, देख सकते हो आप। मॉर्निंग स्नैक इतना गया हुआ ये देख सकते हो, लेकिन मैं इस ये 2650 है ना, हम लेंगे 3500 लेंगे या 300 लेंगे, देखते हैं। ओके, सो गाइस, अब कहानी में एक ट्विस्ट आ गया हुआ है। मेरे को लगा कि बनाना नहीं है, लेकिन बनाना है, और कैलोरी सभी मेरी सुबह पीनट बटर, और जब मैंने वर्कआउट किया थोड़ा पानी भी पिया था। बंदे को जब वेट गेन करना है हाइड्रेटेड रहना है, और अब मेरी कैलोरीज 900 के ऊपर चलेगी, उससे ज्यादा भी चली गई, क्योंकि मैंने ना उसमें हेल्दीफाई ऐप में एंटर किया है, लेकिन वो फिर से मेरे को समझ नहीं आ रहा कैसे करना है, मतलब उसको डिलीट करना है तो कैसे फिर से करना है, लेकिन 1000 कैलोरीज मान लो, 1000 कैलोरीज मैंने अभी अभी कर ली है। तो इसी के साथ मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने क्या क्या कितनी कैलोरीज आपको दिखाऊंगा, क्योंकि बनना लिया उसकी बड़ी कैलोरीज होती है, 1000 कैलोरीज ले ली हुई है मैंने। सो अभी मैं पूरा दिखाऊंगा आपको मैंने कितनी आज रात को भी खाना है, फिर सोना है। अभी अब तो मैं अभी आज तो मैं 3 घंटे सोया था, 3 या 4 घंटे, फिर मैं उठ गया था अचानक से, ठीक है।
जो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने कितनी कैलोरीज ली है अभी तक। ये वीडियो अभी तक थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, चलो कोई बात नहीं, आपको पूरा दिखाऊंगा कि मैंने आज क्या क्या खाया। ओके, तो आप देख सकते हो मॉर्निंग स्नैक में मैंने प्री मील का भी डाल दिया, पोस्ट मील ब्राउन ब्रेड विद पीनट बटर कॉफी विद मिल्क, ये मेरा दोनों हो गया हुआ है। क्या कहते हैं, प्री वर्कआउट से पहले मैंने लिया था। और जो कॉफी होती है, अगर आप ब्लैक कॉफी लेते हो तो क्या होता है, क्या पता कॉफी भी करती हो, कॉफी अच्छी होती है, ऐसी बात नहीं है। हर चीज आपको टेस्ट करनी चाहिए, हर चीज आपको लिमिटेड में खानी चाहिए। और जो होता है ब्लैक कॉफी में, अगर आप, मैं इसके कॉफी जगह कर लूंगा ब्लैक कॉफी, रिप्लेस कर दूंगा, क्या पता बाजार से या अमेजोन से, यहाँ गई दुकान से कहीं से मंगाऊंगा, और क्या पता आपको मैं नीचे लिंक भी दे दूं ब्लैक कॉफी का। और अब मैं क्या कहते हैं कि ब्लैक कॉफी के उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और वो टॉक्सिन्स रिमूव करती है फ्रॉम द बॉडी से, जो गंदी गंदी चीजें होती है वो सारा सब कुछ रिमूव कर देती हैं। और आप देख सकते हो 990 हो गए हैं, आउट ऑफ 990 लगा लो आप, ये आप कैलोरीज 510 बट 129.4 349.4 इनको प्लस करो के मान लो 1000 कैलोरीज मैंने अभी तक ले ली। अभी मैंने ब्रेकफास्ट भी करना है 11 बजे, फिर एप्पल, मतलब कि रोज अगर आप करोगे तभी आपका वेट गेन होगा। पानी 7-8 लीटर तो पीना ही पीना है, लगा लो 7-8 गिलास तो पीना ही पीना है। चलो ठीक है, फिर अभी थोड़ी सी ब्रेक ले लो, यहाँ सारे अपने ही हैं यार, कोई टेंशन नहीं है, मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। सो गाइस, अब मेरी कैलोरीज, अभी मैं लंच करने वाला हूँ, थोड़े से चावल लिए हुए हैं, 2 प्लेट ले सकते हो, 2 फुलके लिए हुए हैं मैंने, और थोड़े से मैंने लिए हुए हैं राजमा। तो 2500 कैलोरीज इसको अगर खा लूँगा मैं तो 2500 कैलोरीज मेरी बन जाएगी। तो फिर मैं, अभी तो मेरी इतनी बन गई है, लेकिन मेरा टारगेट है 3500 कैलोरीज दिन की। चलो करते हैं छोटी सी ब्रेक, देख सकते हो आप, अभी और चावल लेने हैं, राजमा भी लेने हैं, क्या पता फुलका भी लूँ, क्योंकि राजमा है, इट्स माय फेवरेट, सो दैट्स व्हाई। ओके, सारे अपने ही हैं, आप देख सकते हो, चावल और लेने हैं। डिलीशियस मेले बना रही है, हाउ स्वीट, मैं वर्कआउट से आया हूँ और मम्मा ने मेरे लिए ये बनाया हुआ है, हाउ स्वीट। लेकिन इसमें गोलगप्पा है, दही है, सेवियाँ डाली है, मीठी चटनी है, और क्या बोला था, अनार, हाँ अनार था, और भी दही है। वैसे मैंने तो दूध पीना था गूंद कतीरा, लेकिन सुबह से बड़ी गर्म चीज़ें खाई हुई हैं। चलो ये खा लेते हैं, इसमें भी थोड़ी सी ठंडक ही है, खा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है यार, वेट गेन करना है इसमें, ये नहीं कि कभी कभी ये चलता है। कल बर्थडे था इसलिए बच्चे होंगे, तो ये मम्मा ने मुझे दे दिए खाने के लिए, सबको इतने ही दिए क्योंकि बहुत सारे बच गए हुए थे। चलो देखते हैं कितनी कैलोरीज बनती हैं। अभी मैंने कैलोरीज ले ली हुई हैं इतनी, अब मैं सो रहा हूँ, कंसिस्टेंट काम करना पड़ेगा मुझे इस पर। सो इसी के साथ हैव ए गुड डे, बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम, अस्सलाम वालेकुम, राम राम, केमचो मजमा, खमड़ी की वड़कम, सत श्री अकाल। इसी के साथ हैव ए गुड डे, बाय बाय, टेक केयर, और अगली वीडियो भी मैं लाऊंगा, अभी मैंने इसमें लाई है, अगली वीडियो भी मैं एक अच्छी आपको अच्छा कंटेंट दूंगा कि ऐसा ऐसा होता है। और जो अभी ये COVID-19 चल रहा है, सैनिटाइजर जो है उसमें पढ़ो कि अल्कोहल मिथनॉल वहाँ दे रहे हैं कंपनीज, तो आपको पता होना चाहिए कि वहाँ लिखा होगा इथनॉल, इथनॉल लिखा होगा, अल्कोहल होना चाहिए, ज़्यादातर नहीं है तो तभी, या तो अगर आप गर्मी हो तो हाथ दो 20-30 सेकंड्स तक अच्छी तरह अपने हाथों की करो, और बस इतनी आपको पता है, आप समझदार हो सारे, तो सारे यहाँ अपने ही हैं। सो ठीक है, हैव ए गुड डे, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय। ये आप देख सकते हो 3400 ही लगा लो, क्योंकि मैंने उसमें थोड़ी कैलोरीज ऐड नहीं की थी। सो इसी के साथ अब ये वीडियो यहाँ पे मैं ख़त्म करता हूँ।